प्रिय विद्यार्थियों, आजकल हम भूगोल में विशेषकर आर्थिक विकास में या नगरीय विकास में विकास ध्रुव का भौगोलिक मॉडल की चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद छठे व सातवें दशक में विश्व की विकसित और विकासशील या अविकसित अर्थतंत्रों में क्षेत्रीय असमानताओं की व्याख्या करने वाला मॉडल विकास ध्रुव मॉडल अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित किया गया। वास्तव में ये मॉडल भौगोलिक संकल्पना के बिल्कुल निकट है, इसलिए इसे विकास ध्रुव का भौगोलिक मॉडल कहा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका हमें अध्ययन किस क्षेत्र में या किस विशेष में करना चाहिए। देश में यदि विकास प्रक्रिया का अध्ययन करना है तो हमें विकास के क्षेत्रीय आयामों का केंद्रीकरण है कि क्षेत्र में या एक समान रूप में घटित नहीं होती, बल्कि कुछ विशेष केंद्रों पर इसके केंद्रीकरण होता है। जैसे कि उलमान ने स्पष्ट किया है कि कुछ क्षेत्रों या केंद्रों जो प्राकृतिक रूप से संसाधनों से युक्त रहते हैं, वहाँ मानवीय तथ्य यथा तकनीकी पूंजी नवाचारों का भी स्वाभाविक केंद्रीकरण होता है। यह प्रक्रिया न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ के संदर्भ पर गठित होती है। परिणामस्वरूप विकासात्मक कार्य वहीं केंद्रित होने लगते हैं जिससे परिवर्तित काल भी धीरे धीरे परिवहन, संचार, बैंकिंग व अनुकूल नीतियों को भी कहीं केंद्रित होकर संचयी अर्थतंत्र की प्रवृत्तियों को बढ़ाती है। इंक्रीज इन एग्रोमेरिएशंस इकोनॉमिक्स। इस तरह एक केंद्र या नगर क्षेत्र में ही आर्थिक विकास का केंद्रीकरण हो जाता है। कालांतर में वही विकासात्मक कार्यों से बाह्य क्षेत्रों में पूंजी को अपसरण होता है और अपसरण भी प्रारंभ में केंद्रों के जरिए होता है। यही प्रक्रिया पदानुक्रमिक रूप से नीचे तक चलती है। ऊपर से लेकर नीचे तक हम विकास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसका परिणाम संपूर्ण क्षेत्र या विकास के रूप में हमको सामने आता है। स्पष्ट है कि उक्त भौगोलिक संकल्पना अर्थशास्त्रियों के विकास ध्रुव मॉडल के बिल्कुल करीब है। अर्थशास्त्रियों ने इस मॉडल के प्रवर्तक मिलहाऊ 1956, पेरू 1961, हिक्स 1961, निकोलस 1961 और गेनेज 1962 में विशेष उल्लेखनीय हैं। इस संकल्पना के विकास ध्रुव प्राय नगरीय या औद्योगिक केंद्र के रूप में पहचाने गए। किसी भी क्षेत्र में आर्थिक समानता की व्याख्या के संदर्भ में विभिन्न लेखकों ने विकास ध्रुव की आंतरिक विकास प्रक्रिया और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरह यह मॉडल क्षेत्रीय विकास प्रक्रिया को संचालित करने वाले कारकों के विश्लेषण में सहायक है। पेरू विकास ध्रुव में एक विकासात्मक उद्योग की स्थापना यूनी इंडस्ट्रीज ट्रियल का विकास ध्रुव के अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार जब किसी केंद्र पर एक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित होने लगता है तो उस उद्योग से संबंधित दूसरे अन्य उद्योग को स्थापित होने लगते हैं। इन्हीं उद्योगों के उत्पादन कारकों में द्वारा जैसे
प्रथम क्रम का उद्योग विकसित होता है, उसी प्रकार सहायक उद्योग भी विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया केंद्र को विकास ध्रुव के रूप में स्थापित कर देती है। उक्त मॉडल का परीक्षण के बाद कई अर्थशास्त्रियों और भूगोलवेताओं ने किया, जैसे बॉडविल ने ब्राजील, चिन्याज ने पिट्सबर्ग और हैरिस ने भारत के संदर्भ में अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि संचयी अर्थतंत्र का निकास किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक और नगरीय विकास को समझने का आसान आधार प्रदान करता है। पेरू ने असहमत होते हुए चिनिड्स के पिट्सबर्ग के संदर्भ में अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि किसी भी एक महत्वपूर्ण उद्योग और उस पर आश्रित अनेक उद्योगों का विकास दीर्घकाल में विकासात्मक प्रवृत्ति के अवरोध पैदा करता है। तो विद्यार्थियों, कि हमें ये सिद्धांत, चाहे वो पेरू ने दिया हो, चिनिड्स ने दिया हो या बाउडविले ने दिया हो, उन सबका कहना यही है कि विकास एक केंद्र से प्रारंभ होकर और उसको आगे तक बढ़ाते हैं और सबको समाहित करते हुए चलते हैं। यदि हम सबको समाहित करते हुए नहीं चलेंगे तो विकास सभी में नहीं हो पाएगा। इस हेतु इन्होंने अलग अलग मॉडल दिए और उस मॉडल में ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे एक विकास का उद्देश्य क्या होता है, जिसमें उसके मध्यकालीन यूरोपीय नगरों जैसे उनके प्रभाव, उनके विकास प्रक्रिया के संचालकों ने समझाने का प्रयास किया। निष्कर्षतः ये माना जाता है किसी केंद्र पर आर्थिक कार्यों का केंद्रीकरण कालांतर में समीपवर्ती परिक्षेत्र पर विकासात्मक प्रभाव डालता है। तथ्य प्राय विकसित देशों के अर्थतंत्र के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है, लेकिन यदि भारत जैसे देश के संदर्भ में यदि इस मॉडल का परीक्षण किया जाए तो अब तक सार्वजनिक क्षेत्रों के जितने भी औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए हैं वे अपने समीपवर्ती क्षेत्र पर कोई विकासात्मक प्रभाव नहीं डाल पाए। यदि सीमित रूप से ऐसा कोई प्रभाव है भी तो यह प्रवर्धक प्रक्रिया का परिणाम है, ना कि विकास केंद्र के आंतरिक विकास प्रक्रिया का। प्राय भारत के संदर्भ में अब तक विभिन्न विकास केंद्रों, औद्योगिक केंद्रों, समीपवर्ती क्षेत्रों में विकास की संचालक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए तो यहाँ किसी भी विकास केंद्र से विकासात्मक प्रक्रियाओं का प्रसार पदानुक्रमिक रूप में श्रृंखलाबद्ध ढंग से हुआ है। जैसे हम विकास ध्रुव नगर, कस्बा, केंद्र स्थल पर या विपणन केंद्र, सेवा केंद्रों के रूप में कर सकते हैं। ये देखा जाता है कि क्षेत्र ना होकर केंद्र आधारित है। ये सही है कि प्रत्येक केंद्र का पदानुक्रम के अनुसार प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें केंद्र से विकास का फैलाव अब केंद्रीय प्रवृत्तियों के द्वारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसके लिए निम्नलिखित कारण खोजे जा सकते हैं। पहला, यातायात या परिवहन के साधन सुचारू नहीं है, उसका अभाव है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आय की असमानता, नगरीय क्षेत्रों में आय का अपसरण ना होना, स्थायी अर्थतंत्र के प्रभावित करने वाले तत्व, सरकारी नियोजन नीति और सामाजिक आर्थिक विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक तत्व, ये सब ऐसे कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम रोल अदा करते हैं। उपयुक्त कारण ऐसे ही हैं जिनके औद्योगिकरण, महानगर या किसी जिन्हें हम विकास ध्रुव मान सकते हैं, विकास प्रक्रिया का प्रसार परिक्षेत्र में नहीं हो सक पा रहा। यदि भी पंजाब, गुजरात और मालवा जैसे कृषि प्रदेशों में कृषि उद्योगों का प्रभाव संपूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया पर देखा जा सकता है, जिसमें किसी विशिष्ट केंद्र पर उद्योग विशेष का स्थापन का प्रभाव उत्पादन तंत्र पर देखने को हमें मिलता है।
इस संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत थ्योरीज हमारे सामने हैं, हम उनका अध्ययन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि कैसे विकास ध्रुव का यह मॉडल एक छोटे से क्षेत्र से बड़े केंद्र की ओर या बड़े केंद्र से छोटे क्षेत्र की ओर पहुंचता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।